नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैनपुरी उपचुनाव में वोटिंग से पहले शिवपाल यादव को झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल उनके दो होनहार नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने जाएंगे। वहीं सीएम योगी के आने पर समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के दो बड़े करीबी नेता जनसभा के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ करहल में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाके के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव के बेहद खास माने जाने वाले दो बड़े नेता प्रसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन दो नेताओं में इटावा के प्रसपा जिला अध्यक्ष सुनील यादव और बसरेहर से प्रसपा ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव यानी बबलू बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं इन दोनों ही नेताओं के साथ उनके अपने सैकड़ों समर्थक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी रामपुर में सपा को झटका लग चुका है, जब आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान शानू बीजेपी में शामिल हुए थे। फसाहत खान शानू के साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। इस मौके पर रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना भी मौजूद थे। वहीं फसाहत खान शानू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाभकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सपा में सम्मान नहीं मिला, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि फसाहत खान शानू उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुलकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी की थी। हालांकि शिवपाल यादव ने तो घर की बहू को जिताने का फैसला कर लिया है, लेकिन लगता है उनके समर्थकों को उनका ये फैसला कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उनके एक से एक दिग्गज नेता बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल पर इस झटके का क्या असर होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।